बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने रोजगार देने तथा वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। एनएससीआई कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के हितों का ध्यान नहीं रख पा रही है। पेश है सीसीएन की ये रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष गोकुल सिंह परिहार ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं का ध्यान नहीं रख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में सरकार के इशारे पर पेपर लीक किया गया है, जिससे हजारों बेरोजगार युवा निराश हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने कहा था कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को 2019 तक भर लिया जाएगा, लेकिन महाविद्यालयों सहित किसी अन्य विभाग में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इस मौके पर पूर्व छात्र नेता रंजीत रावत ने भी सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि युवाओं के हितों का ध्यान नहीं रखा गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज हमने एनएसयूआई ने जो ज्ञापन हमने दे रखा है डीएम मैम को, जो ज्ञापन दे रखा है वो हमने सीधे डीएम मैम के थ्रू उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दे रखा है। इस पर आज हमारा पूरा प्रदेश भर में हमारे कार्यक्रम है, क्योंकि आपने विगत दिनों देखे होंगे जो वन आरक्षित जो हमारे पद थे उसमें जो धांधली कर रखी है, और जो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा बसों की किराया बढ़ोतरी और शराब की शराब सस्ती कर रखी है, और जो विगत दिनों पिछले साल 2019 में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री धन सिंह रावत जी ने जो 2019 में जो बोला था कि जितने भी महाविद्यालय हैं, हर महाविद्यालय में जितने भी रिक्त पद हैं 2019 लास्ट तक पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन आज तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और एक भी पद जो यहाँ रिक्त पद हैं यहाँ उत्तराखंड में कोई भी महाविद्यालय में वो पद उन्होंने नहीं भर रखे हैं। तो इसमें हमने आक्रोश व्यक्त करते हुए यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष बड़े भाई रंजीत रावत जी और हमारे एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं ने डीएम मैम को हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया। इस प्रकार से वर्तमान प्रदेश सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। पिछले वर्ष चुनावी वर्ष तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि हम पूरे प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार देंगे और सभी प्रदेश के महाविद्यालयों में रिक्त पड़े टीचरों की भर्ती कराएंगे, वहाँ पर को रिक्त पदों को भरेंगे, लेकिन प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में कहीं ना कहीं पर को बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर को देखने को मिलता है। आज युवाओं को रोजगार के नाम पर को कहीं ठगने का प्रयास माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया है। आज हम देखते हैं कि पिछले दिनों वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जहां पर को हुई थी उसमें इतनी बड़ी धांधली देखने को मिली है, जो पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं एक मजाक का विषय बना हुआ है, जिसके लिए उनकी नाकामियों को देखते हुए आज हम सभी युवक कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मिलकर माननीय डीएम महोदय के द्वारा माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने माननीय हरक सिंह रावत जी के इस्तीफे की मांग करी है। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।